एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन करतोनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे क्या काउंट करना है। वो वाला वीडियो यदि नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ मेरे एके सक्सेस फैमिली के मेंबर ने शिकायत किया है कि मैं बहुत फास्ट बताया है उसमें, तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे बताऊं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फास्ट कैसे सॉल्व करना है। करना सबको आता है लेकिन फास्ट तरीके से कैसे करना है वो हमें देखना है। तो मैं बताऊंगा कि 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के फिगर को, या फिर 2-4 क्वेश्चन अभी हम करेंगे उसमें हम ये बताएंगे 5 सेकंड के अंदर आप कैसे सॉल्व करना है। और दोस्तों आप यदि SSC की तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये SSC के बुक से लिया है। SSC के बुक नहीं, एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है SSC के सॉल्व पेपर, उससे लिया है। तो उसमें आपको ट्रिक नहीं मिलेगा कि जैसे मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप यदि चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके वो बुक खरीद भी सकते हैं। क्योंकि वो आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और उससे आप प्रैक्टिस करके आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के आएगा, पैटर्न ऐसा रहता है। तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और यदि नहीं करना है कोई बात नहीं, आप मेरे जो वीडियो है वो रेगुलरली देखते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। लेकिन आपको मैं गुजारिश करूंगा कि मैं तो क्वेश्चन 2-4 ही बताता हूं, लेकिन इनसे रिलेटेड आप कोई भी बुक परचेस करिए और उससे जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आपका देखते ही एकदम आंसर आ जाए, यदि आप फिगर देखें और बोल दे कि आंसर कितना है। इन सब में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड फास्ट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं जिससे कि आपको सहूलियत हो जाएगा। मैं 5 सेकंड बताया हूं, 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये बीच में दिया है, इस टाइप का कुछ डायग्राम बना है। ये सब मैं इसका बेसिक दोस्तों उस वीडियो में बताया हूं, वो वाला भी वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। जैसे ये कोई डायग्राम है, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है यदि काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4। तो मैंने बताया था इसको जितने भी सिंगल त्रिभुज होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे आया, देखिए 1, 2, 3, 4 तो ये है, एक इस रेखा के लिए एक ए बनेगा 5, फिर एक इस रेखा के लिए एक ए बनेगा 6, एक इस रेखा के लिए ए बनेगा 7, और एक इस रेखा के लिए ए बनेगा 8। इस तरह से इसमें कितने हो गए, 8 ट्रायंगल, ठीक है। और मान लीजिए एक लाइन और खींच दूं बीच में, लाइन खींचने के बाद दोस्तों कितने ट्रायंगल हो गए आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 2, मतलब कितने हो जाएंगे 12। इसी तरह मान लीजिए एक और लाइन खींच दे तो कितने बन जाएंगे 8 ट्रायंगल, तो 8 × 2 तो कितना हो जाएगा 16 ट्रायंगल। तो इस तरह से इसमें कितने बन गए 16। अब यहां पे और एक त्रिभुज भी दिख रहा है, एक त्रिभुज है तो इसमें कितने ट्रायंगल है। इसमें भी एक ट्रिक बताया था दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया था, 1, 2, और मान लीजिए इधर और एक नंबर रहेगा 3 कर दीजिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या 1 + 2 + 3, तो कितने बन जाएंगे इस केस में, 3 के केस में 3 × 2 = 5 और 6 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, इस वाले में 3 के। अब हमारे पास 2 है तो कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3 ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल दिखा है ऊपर 3 बनेंगे, इधर 3, इधर 3, इधर 3। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि फास्ट मेथड से कैसे करना था इसको, देखिए मैं बता रहा हूं 5 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए अंदर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 2 = 12, 12 ये हो गया, और ये कितने 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, प्लस 12 24 हो गए। और देखिए इधर हिडन ट्रायंगल, आपको हिडन ट्रायंगल भी देखना है, एक ऊपर एक इधर भी है, इसी तरह इधर एक इधर एक, कितने हो गए 4 + 4, तो कितना हो गया 12 × 2 = 24 और 4 = 28, तो इसका आंसर क्या होगा ये। आपको यदि ये सब बेसिक पता है तो आप इजीली 2 से 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते इस टाइप के। मैंने कैसे किया, अंदर जो ट्रायंगल बना है उसमें 6 खाने हैं इस टाइप के, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12 ये हो गए। और देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें कितने 3 ट्रायंगल बनेंगे, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 × 3 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 12 ट्रायंगल ये बाहर वाले छोटे छोटे इसमें बन गए 12, और अंदर के 12 = 24, और यहाँ एक हिडन ट्रायंगल इसमें बन रहा है और एक नीचे इसमें बन रहा है, और उसी तरह इधर भी बनेगा और एक
इधर बनेगा, मतलब 4 और बन जाएगा, 12 दिन 24 और 4 28, किस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। दोस्तों पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ये बेसिक से कराया हूँ, कैसे कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे बताया हूँ वैसे ही कराया हूँ, तो वो वाला वीडियो भी देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बताना है, कितने ट्रायंगल है, तो SSC 2010 में आ चुका है। देखिए बहुत सरल है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा लग रहा है कि अरे यार बहुत सरल है, हो जाएगा, बट इसमें भी कुछ तरीका रहता है, उससे आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी देखा दिखाया है कि इस टाइप का कोई ट्रायंगल बना हो, उसमें कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 1 प्लस 2 2 इक्वल टू 3, और इसी तरह यदि बीच में लाइन हो तो ये इसमें 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चलिए मैं इस त्रिभुज को छोटे छोटे भागों में बांट देता हूँ। एक भाग इस तरफ को एक भाग दे देता हूँ इसमें, और एक इस साइड को दे देता हूँ, तो इधर कितने बन जाएंगे, 3। और इधर देखिए ये मतलब इसी तरह एक एक यहां से ये बन रहा है, और एक बड़ा वाला ये बन रहा है, मतलब 3 3 6 हो जाएगा यहाँ, तो 6 ट्रायंगल बन जाएंगे इस तरह। मतलब इस वाले ट्रायंगल के लिए 3 बनेंगे, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए 3 बनेंगे, 6 और 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमने किस इधर के ये वाला लाइन कवर कर लिया है, इधर का और उधर का, अब एक और कौन सा बचा, इस लाइन का ही इधर का और इधर का बचा। ठीक है, अभी इस लाइन के कारण कौन सा कवर किया था, ये वाला, ये और ये पूरा वाला। अब कौन सा बचा है कवर करने के लिए, ये इस लाइन के कारण, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए और एक दूसरा ट्रायंगल ए, और जो बड़ा वाला था वो 6 में इंक्लूड हो गया था। ठीक है, तो मतलब 2 ट्रायंगल ए बन गया, और कौन से बचे देखना है, हिडन ट्रायंगल, एक ए वाला और एक ए वाला। ठीक है, तो कितने बन गए, 2 और बन गए, तो कितना हो गया, 6 3 9 और 2 10 11 और 2 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, 13। ठीक है, कैसे, 3 साइड में 6 कौन कौन से ट्रायंगल कारण, एक ए, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं दोस्तों, वहां पे आप थोड़ा आपको समझ में थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। अब देखिए इस साइड का एक ट्रायंगल और ये पूरा 2 इस तरह का है, तो मतलब ये जो है एक इसमें 3 बनेंगे, और ये पूरा जो यदि ले ले तो इसमें 3 बनेंगे। ठीक है, इस लाइन के कारण, पहले इस लाइन के कारण ये 3, और ये पूरा लेंगे तो इस लाइन के कारण 3, और फिर इसी लाइन के कारण एक इधर और एक इधर भी बनेगा 2। ठीक है, तो मतलब 6 इधर 6 2 8 और 3 इधर 8 3 11, और एक ये बड़ा वाला 12 और एक ये बड़ा वाला 13, तो इसका आंसर क्या था, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कितने ट्रायंगल है वो फाइंड आउट करना है, कितना त्रिभुज है वो हमें ज्ञात करना है, ये 2014 SSC के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जहां रहे उसमें आपको देखना है कि कहीं सेम पैटर्न यदि बन रहा है तो किसी एक साइड का ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये और ये नीचे वाला जो पैटर्न है, दोनों सेम है, मतलब दोनों एकदम बराबर है, मतलब ऊपर वाले में जितने त्रिभुज आएंगे नीचे भी उतने ही त्रिभुज आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाना है वो देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको वही पता करना है कि आप क्या ट्रिक लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सके। देखिए ये वाला ट्रिक मैक्सिमम लग जाता है हर जगह, ये ऐसा कहीं डायग्राम हो तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 4 × 2, मतलब 4 × 2 = 8। ये तो मैं लिख के कर रहा हूं लेकिन आपको याद हो जाएगा कि इसमें 8 होते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है, जैसे कि ये एक ये पूरा, मतलब पूरा जो चतुर्भुज है उसके अंदर 2 लाइन खींचने के बाद जो बन रहा है उसमें कितने बनेंगे, 8 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर 8 ट्रायंगल बनेंगे, देन वो हम 8 अभी छोड़ देते हैं, 8 लिख लेते हैं अलग से, प्लस अब देख लेते हैं इसके अंदर कितने बन रहे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या लगाएंगे, देखिए यहां पे भी अंदर एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है और उसके अंदर 2 लाइन है, मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 8, ये हो गया। और यहां पे और एक ट्रिक का क्या लगेगा, काउंट होगा अपना ट्रिक, ये वाला भी मैंने बताया है उसमें अच्छे से, इसके अंदर ये देखे, ये वाला भी वहां पे हमने सॉल्व किया था, इसमें जो पहले वाले वीडियो है इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 5 ट्रायंगल। अब देखिए इसको सरल तरीके से कैसे करना है, बहुत ही आसान है। पहले हमारे कितने हो गए, इसके अंदर 8, ये 8 हो गया, यहां पे कितने बनेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है
इसके अंदर ऐसा है तो इसमें पांच और इधर भी पांच, और कहीं बन रहा है क्या हिडन ट्रायंगल? देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, और यदि बड़ा वाला देखे वो तो हमने आठ में काउंट कर लिया है, तो दो ट्रायंगल और बन जाएंगे दो, तो कितना हो गया, पांच दुनी दस, दस और दस बीस हो जाएंगे, मतलब ऊपर जो ये ट्रायंगल बन रहा है वो कितने बन रहा है बीस, प्लस नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें भी कितने बनेंगे बीस, और पहले कितना है बड़े वाले स्क्वायर के अंदर उसके अंदर आठ, तो कितने हो गया हमारा अड़तालीस, तो इसमें क्या है ऑप्शन में अड़तालीस या अड़तालीस से अधिक, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा फोर। तो देखा दोस्तों बहुत आसान है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में, और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन जो है उनको उनके पास भी कहां से आइडिया आएंगे, क्वेश्चन कहां से अलग अलग लाएंगे, इसी टाइप के उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दे देता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन है उसमें आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके सभी का ईयर वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप उसको प्रिफर कर सकते हैं और उससे सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यदि आप चाहे तो वहां से जाके खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें इस टाइप के प्रॉब्लम हो और उससे प्रैक्टिस करिए। तो एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, देखिए ये बड़ा वाला है उसमें कितने बनेंगे, इस टाइप का है तो उसमें आठ ट्रायंगल उसके हो गए, और यहां पे देखिए ऊपर और नीचे इस पोर्शन के ऊपर वाला और नीचे वाला जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला, ये दोनों क्या है सेम है, और उसके अंदर सेम ही त्रिभुज है जैसा ऊपर डायग्राम है नीचे भी सेम है, तो हम यदि ऊपर वाले का निकाल ले तो नीचे वाले में भी उतना होगा, तो हमारा आसान हो जाएगा। यदि एक एक काउंट करके गिनते रहेंगे तो आपका तो एग्जाम खत्म ही हो गया, सिलेक्शन होने से रहा, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको फास्ट तरीके से करना है और स्मार्ट तरीके से। तो अब ये जो अंदर है, अंदर भी एक चतुर्भुज है और उसके अंदर दो लाइन है, दो लाइन है मतलब आठ हो जाएंगे उसके अंदर, तो आठ त्रिभुज अंदर हो गया, आठ त्रिभुज, और ये जो डायग्राम है और उसके अंदर एक ही त्रिभुज है, उसके अंदर भी त्रिभुज त्रिभुज बढ़ता जाता है, तो कैसे करना है वो मैं पहले वाले वीडियो में बताया, वो वाला देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कितने पांच है, तो पांच इस साइड, पांच इस साइड, और ये जो बड़ा वाला आपको हमेशा देखना है, सॉल्व करने के बाद भी एक बार चेक कर लेना है कि कोई हिडन ट्रायंगल तो नहीं बच गए, आपको प्रैक्टिस करने से ही दिखेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा हिडन ट्रायंगल है। तो ये वाला एक हिडन ट्रायंगल है और ये वाला एक हिडन ट्रायंगल है, और ये जो बड़ा वाला है वो तो हमने आठ में काउंट कर लिया था, ठीक है, तो दो और हो गए, तो कितने हो गए पांच पांच दस, आठ और दो दस, दस दस बीस, बीस ट्रायंगल ऊपर और बीस ट्रायंगल इसके अंदर, ठीक है, बीस बीस चालीस, और पहले कितना था ये जो बड़ा वाला है इसके अंदर कितने ट्रायंगल, आठ ट्रायंगल, चालीस आठ अड़तालीस, तो ऑप्शन में क्या है अड़तालीस है उससे अधिक, ये वाला आंसर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कितने त्रिभुज है, अब देखिए इसमें भी वैसा ही है, हाफ पोर्शन ऊपर का सेम, ऊपर का और नीचे का सेम है, तो इसमें भी हमें क्या ट्रिक लगाना है, यदि आपको पता है अभी जो हमने पिछला जैसा ट्रिक देखा था वैसा ही लगाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग लगाना है, जो मेथड मैंने पहले वाले इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जैसे यहाँ पे आपको इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है तो इसमें आठ, इसमें आठ, और हमने बताया था जब कोई पॉइंट दो पॉइंट अलग अलग हो तो दो और काउंट कर लेते हैं, ये दो कौन सा है, एक त्रिभुज ए बनता है और एक त्रिभुज ए बनता है, दो और त्रिभुज मतलब कितना, आठ दूनी सोलह सत्रह अठारह, मतलब अठारह त्रिभुज ऊपर बनेंगे इस वाले में ये, ठीक है, अठारह त्रिभुज ए हो गया। अब देखिए ऐसा भी यहां पे डायग्राम बन रहा है, एक उल्टा डायग्राम ऐसा, मतलब इसमें कितने वन टू, मतलब वन प्लस टू थ्री, थ्री इंटू टू, तो कितने छह ट्रायंगल यहां बनेंगे, कैसे, ये वाला, ये जो पूरा त्रिभुज है ये, और बीच में एक लाइन और ये बीच का लाइन, इससे इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, तो उसमें कितने छह ट्रायंगल और बनेंगे, मतलब अठारह प्लस छह, ठीक है, अठारह प्लस छह हो गया। अब और कौन से ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए दिख रहा है, एक ए सिंगल दिख रहा है जो हमने काउंट नहीं किया था, दो ट्रायंगल ये हो गया, उसके बाद कितने हिडन ट्रायंगल है वो भी देखना है, तो प्लस टू, और कितने हिडन ट्रायंगल है वो देख लीजिए, एक हिडन ट्रायंगल मुझे ए दिख रहा है, एक हिडन ट्रायंगल ए दिख रहा है, तो प्लस टू, और हिडन ट्रायंगल इसमें कहां दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये वाला तो हमने इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल वो काउंट कर लिया था, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल और इसके बीच का लाइन जो था उसको भी काउंट कर लिया था, लेकिन ये जो उस जब हमने छह निकाला था उसके बीच में एक ए भी बच जाता है, ये मतलब यदि यहां पे देखे इसमें इस डायग्राम में ये वाला जो और एक ए वाला, मतलब दो ट्रायंगल और ऊपर है, प्लस टू, तो कितने हो गए अठारह, अठारह उन्नीस बीस, छह छब्बीस, सत्ताईस अट्ठाईस, उनतीस तीस, मतलब ऊपर तीस बनेंगे और नीचे तीस,
तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 60। तो 60 ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। इस ये क्वेश्चन यदि आ जाता है, आप यदि एक एक ट्रायंगल काउंट करेंगे नंबर लिख के ए बी सी डी दे के, तो आपका 10 से 15 मिनट तो इसी क्वेश्चन में खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से करिए, आपका बहुत ही टाइम बचेगा। फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, देखिए इसमें एक ही बॉक्स के अंदर दो लाइन हो तो उसमें 8 बनते हैं। 8 कैसे बनते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 5, जैसे हमने पहले बताया इस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, मतलब 8 ही बन गया। ठीक है, 8 के बाद ये 8, 8 है 16 हो गया। और देखिए यहाँ जब दो एक दूसरे से बॉक्स जुड़ा रहता है तो ऊपर एक पॉइंट बनता है और नीचे एक पॉइंट, उसको हमने 2 काउंट किया था पिछले वीडियो में, तो उसी तरह इसमें भी करना है। और इस पॉइंट कैसे काउंट कर रहे हैं, मतलब एक हिडन ट्रायंगल ए बन रहा है, एक हिडन ट्रायंगल ए बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हिडन ट्रायंगल ए वाला बन रहा था और एक ए वाला बन रहा था, तो इस तरह से दो वो बन गए। ठीक है, तो 8 8 16 17 18, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर 18 हो गया। ठीक है, फिर 6 कौन सा था, इस टाइप का जहां डायग्राम बना था, ये वाला डायग्राम और इसके बीच में लाइन और ये लाइन, तो ये 6 बन गए, उसके अंदर 6 ट्रायंगल, तो 18 प्लस 6। फिर दो कौन कौन से थे, एक साइड में एक और ये साइड में, ये वाला त्रिभुज जो हमने कहीं काउंट नहीं किया था, ये बन गया। फिर दो ये बन गए, फिर दो कहां से बन रहा था, ये दो, एक ए हिडन ट्रायंगल, एक ए हिडन ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है ना, ये भी किसी में काउंट नहीं हुआ था, ये दो ट्रायंगल बन गया। उसके बाद दो और बचा, ठीक है, दो और कौन से थे, ये वाले, एक ए और एक ए हिडन ट्रायंगल, मतलब एक ए वाला और एक ये वाला हिडन ट्रायंगल, तो दो और हो गए। इस तरह से ऊपर कितने 30, नीचे भी 30 30 30 60 हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले और कोई भी इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जोरदार तैयारी करिए। जय हिंद।